जाओ राजेश बाबू, गुड मॉर्निंग। आज का मैसेज, सुबह सुबह उठकर मैं सबसे पहले जिसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, जिसका चेहरा देखना चाहता हूँ, वो तुम हो वंदु रानी, सिर्फ और सिर्फ तुम। गुड मॉर्निंग। वाह वाह, कोई सोते सोते भी मैसेज भेजता है। वो क्या है? क्या वो प्रेम का इजहार फोन पे आमने सामने नहीं कर सकते? यही तो प्रॉब्लम है आजकल की दुनिया में, हर चीज फोन पे करनी है। सीरियसली, कितना अच्छा होता ना कि ऐसे सुबह उठते मैं तुम्हें ऐसे गले लगा लेता और कहता कि आई लव यू वंदु रानी, और तुम कहती क्या कर रहे हो राजेश बाबू, हटो ना। क्या कर रहे हो राजेश बाबू, मत हटो ना। अब पति इतना रोमांटिक हो तो पत्नी को थोड़ा बहुत रोमांटिक तो होना पड़ता है ना। तो फिर शुरू करें हमारी प्रेम कहानी। ओहो, फायर ब्रिगेड वाले आ गए। फायर ब्रिगेड? हाँ, अरे प्यार की आग लगी है यहाँ तो। अरे लिफ्ट का इमरजेंसी अलार्म है, कोई फंस गया लिफ्ट में। दीवारी कहाँ मर गया? जी साहब, जोशी पुरा जी, मुझे बाहर निकालो जल्दी। अरे सब कैसे साहब, जोशी पुरा जी अंदर फंस गए। अरे तकु भाई, तकु पन्ना भाभी, आपका सेवक लिफ्ट में फंस गया है, प्लीज मुझे बाहर निकालिए, प्लीज। ओ सेवक भाई, ये देवी कैसे निकालेंगे आपको बाहर? ओ राजेश भाई, चमत्कार से, और कैसे? अरे एक मिनट, चमत्कार नहीं, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तिवारी जी, जी सर, रॉड है लोहे की। हाँ है, जल्द लेकर आइए। हाँ, लेकर जल्दी। जी जी, माय गॉड, जल्दी खोलिए प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। आपको कुछ नहीं होने वाला है, अगर 24 घंटे भी आप अंदर फंसे रहेंगे ना तो भी आपकी जान नहीं जाने वाली है। साहब ये देखिए काम आएगी। हाँ ये बराबर है। कोई लिफ्ट का दरवाजा खोलता है मैं मर जाता तो। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अब धन्य है, अब धन्य है वन्ना भाभी। पर ककू, तुम अंदर फंसे कैसे? पता नहीं है, मैं तो घर जाने के लिए लिफ्ट में गया था। हाँ? जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो लिफ्ट अटक गई। ओह माय गॉड, और मैं भी अटक गया। कोई बात नहीं दकू, चलो घर पे चलो, मैं तुम्हें नींबू पानी पिलाती हूँ, चलो। ओ राजेश भाई, ये रोड सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, तिवारी जब्त करो इसे। जी सर। ओह माय गॉड, मैं कितना डर गया था। चलिए चलिए, मैं चाय नाश्ता भेजती हूँ। हाँ, मैं चाय बना के भेजती हूँ। नींबू पानी कैसे लगी कर देती है? आप क्यों हंसे? वो झालर भी तो मेरे पे अभी थोड़ी देर पहले हंसा था, तो मैंने भी हंस लिया है ना? नहीं नहीं, सच्चल बधाई, आप ही ने फंसाया ना दकु भाई को लिफ्ट पे। नहीं 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 नहीं, दरअसल हाँ, ये झालर को सबक सिखाने के लिए शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने। अरे झालर के रूल सुन सुन के पक गया हूँ मैं राजेश भाई, तंग आ गया हूँ मैं। मन करता है झालर के सारे रूल्स तोड़ दूँ और साथ में इस झालर को भी तोड़। अरे नहीं, कंट्रोल। अरे क्या कर, निकेश का फोन। अरे अरे निकेश। ओ यो निक। अरे हेलो अर्षद भाई। अरे राजेश भाई आप भी है? हेलो हेलो हेलो, क्या बात है यार, बर्फ और गिर रही है पीछे, मतलब किसी सुपर कूल जगह पर हो? अरे राजेश भाई एकदम सुपर कूल जगह पे, टेम्परेचर से भी और मन से भी। एक्चुअली मैं छुट्टियां मनाने इधर आइसलैंड में आया हूँ। क्या बर्फ तो है ही, साथ में यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश लोगों में से एक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 4th नंबर पर है ये देश, 4th नंबर। निफ्टी इंडेक्स तो सुना था, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? अरे अर्षद भाई, लोगों की खुशहाली का इंडेक्स। तो हमारा देश भी अच्छा खासा ऊपर होगा ना, मतलब टॉप रैंक पर होगा? नहीं राजेश भाई, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हमारा देश काफी नीचे है, 136 नंबर पर है। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार,
इतना प्यारा देश है हमारा, सब इतना खुशी खुशी रहते हैं। ये आपका देश प्रेम बोल रहा है, पर रियलिटी यही है राजेश भाई, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है अभी। अरे हर्षद भाई आप भी आइए ना इधर, भाभी को लेके बहुत मजा आएगा। नहीं राजेश भाई, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हमारा देश काफी नीचे है, 136 नंबर पर है। क्या तुम और एक फाइल लेकर आ रहे हो? सुबह की पहली चाय नहीं पी है अभी तक मैंने। एक तो अपना ये टी कॉफी मशीन बंद है, चाय का कुछ करो पहले। अरे सर मैंने एक चाय वाले को बोला है तो भी एक दो दिन वही चाय सर्व करेगा, टेंशन मत लीजिए वो बस आता ही होगा। हाँ लाओ फाइल लाओ। पंडित जी। यस सर। एक बात बताइए, क्या हम इंडियंस खुश नहीं रहते? सर वो तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं नहीं मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। आई नो। हाँ एग्जैक्टली, मुझे पता था यू वुड नो। व्हाट आई मीन सर, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं है बट सर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सर। देखिए ना सर, इतना टाइम हो गया मुंबई में अपना घर नहीं ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुनमुन के साथ मेरी शादी नहीं हो पा रही। सर आप तो जानते हैं कि मुनमुन के पिताजी जो है, इंडिया जानता है पूरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे चंदू क्या हुआ? ये क्या है, ये कपड़े क्यों फटे थे? कहाँ मारामारी करके आया तू? अरे कुछ नहीं सर, वो ट्रेन से आते वक्त एक आदमी ट्रेन के गेट पर ही खड़ा रह के हवा रोक रहा था, तो अब इतने गर्मी में हमें भी तो हवा चाहिए ना, तो उसको बोला ए भाई साहब थोड़ा खिसको ना हवा आने दो, तो वो मेरे पे ही भड़क गया और थोड़ी मच हो गई। मच मच नहीं, टू मच हो गई। नहीं ये 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 क्या तरीका है सर? हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय सर यहाँ मारामारी कर रहा है, ये फटे हुए कपड़ों में ऑफिस आ रहा है। नहीं अरे सर, वो कसूर चंदू का नहीं था। लो मुझे पता था कि आप भी इसमें जरूर कुछ कहेंगे। मिस्टर वागले आप खामखा इमोशनल क्यों हो जाते हैं? अपनी टीम का साथ देना, अपने टीम मेंबर का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर। मिस्टर वागले ये जो बात बात पर आप इमोशंस की आंधियां चला देते हैं ना, यही एक मेन रीजन है कि हमारी कंपनी जैसे ग्रो करनी चाहिए वैसे कर नहीं पा रही है। इसलिए हर चीज के लिए इमोशनल होना बंद कीजिए। And one more thing, आप जानते हैं मेरे पापा जी क्या कहते थे? मेरे पापा जी कहते थे कि बिजनेस इमोशनल होकर नहीं मोशन से चलता है। मोशन से? Yes, प्रैक्टिकलिटी का मोशन, माइंड का मोशन, काम का मोशन। And I'm sorry to say, Mr. Wagle, I'm not at all happy with your working. Special chai, special chai saab. ला भाई चाय ला। हेलो साहब। सर को दो। क्या ये? स्पेशल चाय साहब। अरे चाय तेरी स्पेशल होगी लेकिन ये ग्लास देख कितना गंदा है। अरे साहब इधर दो साहब, ये कुछ भी नहीं साहब, सब इसमें पीते हैं। लो। अरे कमाल करते हो यार तुम, ये ग्लास के ऐसे पोंछ कर दे दिया कि मतलब ये अभी ग्लास अच्छा हो गया। हाँ तो ये खोलो इधर, ये जो स्पेशल चाय है ना ये अपने पास रखो। ये लो लो खोलो, ये सब खोलो। नहीं नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, चल चल दफा हो जा, निकल। राजेश सर निकल जल्दी यहाँ से। अरे राजेश सर कूल डाउन। क्या कूल डाउन? क्या बदतमीज कहीं का, मुंह ऊपर करके बोल रहा है कि स्पेशल चाय है, ग्लास गंदा है, मतलब सिर्फ लूटो हमें। मिस्टर वागले क्या है? सर आई मीन व्हाट हैपेंड, आप तो हमेशा कूल एंड काम रहते हैं, इनफैक्ट आपको देखकर हम सब लोग कूल हो जाते हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया? सॉरी मैं थोड़ा अपसेट हो गया हूँ हैरी को लेकर। मतलब हैरी का गुस्सा आपने चाय वाले पे निकाल दिया? मिस्टर वागले ये गुस्सा ना सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, अगर गुस्सा आया मतलब हमारा इमोशनल कंट्रोल छूट गया, शायद यही वजह है कि आप हैरी से अनहैप्पी हैं। ये जो हमारा इमोशनल नेचर होता है ना वही हमारी अनहैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह है मिस्टर वागले। तो क्या आपके भी? यस मोस्ट ऑफ द टाइम। पूरी इंडिया की भी? हाँ नहीं एनीवे सॉरी लेट्स ऑल गेट बैक टू वर्क।
तो हम इंडियंस की इमोशनल नेचर है हमारे अनहैप्पी होने की वजह। एसिडिटी ने परेशान करके रखा। अरे इतना भी क्या सोचना हैप्पीनेस को लेके कि खुद ही अनहैप्पी हो जाओ और एसिडिटी हो जाए। लेकिन वो हमारी इमोशनल नेचर। सिर्फ इमोशनल नेचर नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस भी। मतलब ये कि हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, जैसे वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहना, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, अंदर कुछ अच्छा महसूस करना, ये वो इमोशंस होते हैं जो कि हम बाकियों के साथ शेयर करते हैं। और हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारे वो इमोशंस होते हैं जो कि हम अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। और इस तरह से अपने नेगेटिव इमोशंस को दबा के रखना हमें धीरे धीरे दुखी कर देता है। और शायद यही वजह है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे हैं। तो मतलब सारे फसाद की जड़ जो है वो ये नेगेटिव इमोशंस है। यस। तो फिर इससे बचे कैसे? है ना रास्ता, मन को शांत रखें, क्योंकि मन शांत तो तन शांत, तन शांत तो मन, काम आएंगी कोशिशें, धरा रह जाएगा धन। सुना हुआ लग रहा है। मैंने तो कहा था, कहकर मैं ही खुद भूल गया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन जब अपना कोई याद दिलाता है ना, तो फिर अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसा भी होता है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं जरा पापा से मिलकर आता हूँ, उनकी इंसाइट लेता हूँ इस पूरे मामले में। बिल्कुल जाओ, इनफैक्ट बड़ों ने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो कभी कभी हमें भी दुनिया को उनकी नजरों से देखना चाहिए। क्या बात है। बस करो। कर देने पता। तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं? अरे दुनिया हम हिंदुस्तानियों को जज्बाती कहती है। हम हिंदुस्तानी होते ही ऐसे हैं। हम अपने जज्बातों को जाहिर करने में जरा सी भी देर नहीं करते। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, I wear my heart on my sleeves. कभी गुस्सा, कभी तकरार, कभी प्यार, इतनी सारे इमोशन से हमारी जिंदगी कितनी रंगीन बनी रहती है बेटा। हमारे देश में जितने रंग हैं दुनिया में कहीं नहीं है। वो तो है पापा, लेकिन ये जो रंग है, ये जो अलग अलग तरह के इमोशंस है, वो हम सबके सामने तो जाहिर नहीं कर सकते ना। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो हम कैसे दिखाएंगे सबके सामने? वो तो हम अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। अब दबाए रखने से क्या होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो फिर क्या अनहैप्पी हो जाए, फिर क्या? समस्या तो गंभीर है। फिर काम करो बेटा, अपने पापा को छोड़ो, सबके पापा के पास जाओ, ईश्वर से बात करो। हाँ, जो कोई नहीं समझता वो सिर्फ ईश्वर ही समझता है, तब की बात समझता है। अपनी दुख, तकलीफ, परेशानी, अपनी खुशी, अपने पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस सब उनके साथ शेयर करो। हाँ, अपनी पूरी भड़ास निकाल के रख दो, अपने मन को हल्का करो, बस हेल्थ बचाओ, हैप्पी हो जाओ। वाह देवी वाह, आप धन्य हैं जो आप हम सबको यहाँ जमा करके लेके आई भगवान के दर्शन के लिए। ओह, एक मिनट, देखो भाई, सिर्फ दर्शन नहीं करने, उनसे अपने दिल की बात कहनी। दिल में अगर किसी चीज का बोझ हो तो उनसे कह के उस बोझ को हल्का करना है, मन को शांत करना है और हैप्पी होना है। क्योंकि मन शांत तो तन शांत, तन शांत तो मन, काम आएंगी कोशिशें, धरा रह जाएगा धन। वाह 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 वाह। इसीलिए निसंकोच, बिना किसी डर अपने मन के किवाड़ खोलो और जी भर के बोलो। हे प्रभु, आज मैंने अंशु फार्मा के सारे शेयर्स बेच डाले, कल प्लीज
उसका भाव आप डाउन ही रखना, कहीं उसका भाव अप हो गया तो मेरा बीपी डाउन हो जाएगा, संभाल लेना प्रभु। आज तक ये बात मैंने किसी से भी नहीं कही, पर आपसे कहूंगी। मेरे जैसी कलाकारा को जो नेम एंड फेम मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। किसे दिखाऊं ये दिल का दर्द, किससे करूं ये गिला, किससे करूं ये गिला, किससे करूं ये गिला। तालियां, थैंक यू। क्रम क्रिम हुम ह्रीम कालिकाय हुम फट, क्रम क्रिम हुम ह्रीम कालिकाय हुम। क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर्षद 2.25 करोड़पति थे, अभी 3.25 करोड़पति हो गए हैं। मेरे घर में सारी चीजें इम्पोर्टेड है, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क से लाई हुई, और अभी तो किचन में और बाथरूम में भी एसी लग गए हैं। 1.5 लाख के 6 नेकलेस से मेरे लॉकर में पड़े हुए, मेरे पास इतनी महंगी महंगी साड़ियां हैं, बच्चों की सेहत भी अच्छी है, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, बाकी सारे बेडरूम हॉल किचन वाले भैया और बिना बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, उनके बच्चे, उनकी बीवियां सब अच्छे हैं। और अगर ये सब अच्छे हैं ना, तो मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी खुश हूँ। तो बस आपको ये सब ऐसे ही अच्छा रखना, सबको खुश रखना, तो मैं भी खुश रहूंगी। Oh my God, I mean, हे मेरे भगवान, मुझे नए नए रूल बनाने की शक्ति दे, ताकि मैं हर्षद जैसे रूल तोड़ने वालों के पकड़ू कान और उनको बोलूं मेरे रूल मान, नहीं तो आफत में आ जाएगी तेरी जान। अरे वाह, प्लीज। हे प्रभु, वैसे तो मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं, इतना प्यारा परिवार है, माँ बाप जैसे सास ससुर हैं, पर हाँ एक कमी हमेशा खलती है। जब भी राज को उनके माँ पापा के साथ देखती हूँ ना, तो लगता है कि काश काश आज मेरे माँ पापा भी होते, काश वो राज से मिलते, मेरे सास ससुर से मिलते, अपने नाती नतनी से मिलते, वो होते तो हमारा परिवार कंप्लीट हो जाता। उनके बिना ना सब अधूरा अधूरा सा लगता है। प्रभु, वैसे देखा जाए तो अपने जीवन से मैं बहुत खुश हूं, आपकी कृपा है, मम्मी पापा है साथ, इतने प्यारे बच्चे हैं, इतनी प्यारी बीवी है। एक चीज की कमी खलती है, जब भी मैं मम्मी पापा को देखता हूं, सोचता हूं काश अंधु के मम्मी पापा भी हमारे साथ होते। अगर वो भी होते तो हमारा परिवार पूरा होता, अब थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। आप सचमुच धन्य हैं जो आप हम सबको यहाँ लेकर आई और भगवान के सामने अपना तन मन शांत करने का तरीका बताया। काश आपके ज्ञान का 1% हिस्सा भी राजेश भाई के पास होता तो आज ये यहाँ ना होते। अगर यहाँ नहीं होते तो फिर कहाँ होते दक्कू भाई? कहीं ना कहीं तो होते, पर जहां भी होते ऐसे तो ना होते अज्ञानी। देखा दक्कू, सब कितने शांत है, कोई ज्यादा नहीं बोल रहा, वरना तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों पर कोई और नहीं तो हर्षद भाई कुछ ना कुछ बोल ही देते थे। यामिनी भाभी, मुझे जो बोलना था वो तो मैं भगवान के सामने बोल ही आया हूँ। वाह ए पंटर, ऐसा क्या बोला है तुम? यही कि हे साईनाथ महाराज,
झालर जोशीपुरा अपने बेतु के रूल्स बनाना छोड़ दे, वरना मैं अपना हाथ इसके गाल पे छोड़ दूंगा। ए ए ए ए, ए। कुंभखाइस। एक मिनट बेटे, ये चश्मा पकड़ो। बेटे तुम ये पकड़ो। शांत हो जाए। क्या कर रहे हो? अरे थोड़ी देर के लिए तो मन की शांति बनी रहने देते। ए, तुम्हारे झगड़े में हमारी भी शांति भंग कर दी, कैसे होंगे हम हैप्पी? सही कहा राजेश भाई, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। चल चल बैठ जा चुपचाप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.